गुड मॉर्निंग यू आर डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से क्लास 12 मैथ्स के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया हुआ था। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दिए गए थे। आज के इस लेक्चर में हम मैट्रिक्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि इफ़ ए कोई मैट्रिक्स है, बी भी मैट्रिक्स है, सी भी मैट्रिक्स है, ए बी और सी तीन मैट्रिक्स दिए गए हैं। दोनों का ऑर्डर आप देख पा रहे हैं कि ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है और सी भी 3x3 का मैट्रिक्स है। तो तीनों मैट्रिक्स 3x3 के मैट्रिक्स हैं। तो इसमें दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी कैलकुलेट करिए और जो सेकेंड प्रॉब्लम है वो कैलकुलेट करना है, ए माइनस बी कैलकुलेट करिए। और जो थर्ड जो है वो कह रहा है, सॉरी, ए प्लस बी कैलकुलेट करिए एंड सेकेंड बी माइनस सी कैलकुलेट करना है, बी माइनस सी कैलकुलेट करना है। और जो थर्ड है, फिर ये दोनों कैलकुलेट करने के बाद ये सत्यापित कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए कि क्या ए प्लस बी माइनस सी जो है, ए प्लस बी माइनस सी ये इक्वल आ रहा है ए प्लस बी माइनस सी के, ए प्लस बी माइनस सी के। मतलब पहले आपको कैलकुलेट करना है ए प्लस बी, फिर आपको कहा है कि बी माइनस सी भी कैलकुलेट करिए और फिर उसके बाद कहा है कि ये कैलकुलेट करने के बाद आप बताइए क्या ए प्लस बी माइनस सी ये इक्वल आ रहा है ए प्लस बी माइनस सी के। तो सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इन दो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट और सेकेंड वाले प्रॉब्लम को। यहां से आपको ए प्लस बी की वैल्यू मिल जाएगी, यहां से आपको बी माइनस सी की वैल्यू मिल जाएगी। मैं यहां से कैलकुलेट कर रहा हूं ए प्लस बी, ए प्लस बी जब सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है, तो ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर तो सेम है ही, ये भी 3x3 का, ये भी 3x3 का एक मैट्रिक्स है, तो ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये भी मिलने वाला मैट्रिक्स भी 3x3 का होगा। तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, तो 1 + 3 ये 4 होगा, 2 - 1 ये 1 होगा, -3 + 2 - 3 + 2 दिस इज इक्वल टू -1 एंड 5 + 4 - 9 0 + 2 - 2 + 5 दिस इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट थर्ड वाले रो से, तो 1 + 2 - 3 - -1 + 0 दिस इज इक्वल टू -1 एंड 1 + 3 दिस इज इक्वल टू 4। ओके, तो ये आपने ए प्लस बी कैलकुलेट कर लिया है, ए प्लस बी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब आपको कैलकुलेट करना है बी माइनस सी, तो बी माइनस सी के लिए b माइनस सी भी एक मैट्रिक्स ही होगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि a प्लस बी को जब सॉल्व किया गया है तो दो मैट्रिक्स का एडिशन है, तो ऑब्वियसली दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ऑर्डर सेम है, तो मिलने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो भी क्या होगा, वो भी उसी ऑर्डर का होगा। तो 3x3 का ये मैट्रिक्स मिल रहा है, तो इस तरह से ए प्लस बी एक मैट्रिक्स मिला। बी माइनस सी को जब सॉल्व करेंगे तो इसी तरह बी माइनस सी भी एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो बी माइनस सी को सॉल्व करें तो b माइनस सी, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है तो सब्ट्रैक्ट हो सकता है b वाले में से c वाला। कैसे सब्ट्रैक्ट होगा b से, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करते हैं, आप जानते भी हैं। तो 3 - 4 दिस इज इक्वल टू -1 एंड -1 - 1 दिस इज इक्वल टू -2 एंड 2 - 2 दिस विल बिकम्स इक्वल टू 0, 4 - 0 दिस इज इक्वल टू 4 एंड 2 - 3 दिस विल बिकम -1 एंड 5 - 2 दिस विल बिकम 3, 2 - 1 दिस इज इक्वल टू 1 एंड 0 - -2 दिस विल बिकम्स +2 एंड 3 - 3 दिस विल बिकम्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से आपने b माइनस सी भी कैलकुलेट कर लिया, b माइनस सी जो मैट्रिक्स मिला वो भी क्या मिला, वो भी 3x3 का ही मिला। अब आपको ये तो वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने a प्लस बी और b माइनस सी, अब आपको करना क्या है कि इसके हेल्प से ये फाइंड आउट करने के बाद प्रूफ करना है कि क्या, या वेरीफाई करना है कि क्या ये जो मैट्रिक्स आ रहा है a प्लस बी माइनस सी ये a प्लस बी माइनस सी के इक्वल है कि नहीं है। तो ऑब्वियसली ये इक्वल दे रखा है, इसी को वेरीफाई करना है। तो b माइनस सी आप देख पा रहे हैं, इसकी वैल्यू आपने निकाल लिया है,
ओके, ए भी एक मैट्रिक्स है, ये भी 3x3 का ही मैट्रिक्स है। तो इस तरह से मैट्रिक्स ए प्लस बी माइनस सी, ये वाला, तो ए से बी माइनस सी मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा मैट्रिक्स। और यहाँ पे आपने ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया है, ये मैट्रिक्स है, और उसमें से सी वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सी वाले को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आप देखेंगे क्या कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहा है। ये आपको, आपके लिए होमवर्क होगा। बी माइनस सी आपने निकाल लिया है, ए की वैल्यू आपको गिवेन है, तो ए में बी माइनस सी को ऐड करना है, वो लेफ्ट साइड मिलेगा। राइट साइड के लिए ए प्लस बी आपने वो भी कैलकुलेट कर लिया है, और उसमें से क्या करें, सी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो भी एक मैट्रिक्स मिलेगा। तो देखना है कि क्या लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आएंगे, ऑब्वियसली इक्वल आएंगे, वो गिवन है, वही आपको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए करना होगा होमवर्क के रूप में। नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5, ए कोई मैट्रिक्स दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में ए मैट्रिक्स दिया गया है, ये 3 रो और 2 कॉलम का मैट्रिक्स है। इसके जो एलिमेंट हैं वो फ्रैक्शन में दिए गए हैं, कोई बात नहीं, फ्रैक्शन में है तब भी वही चीज़ वैसे ही करेंगे, मेथड वही होगा। बी भी मैट्रिक्स है, उसके भी जो एलिमेंट हैं वो फ्रैक्शन में दिए गए हैं, उसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। आपको करना क्या है, तो फाइंड आउट करना है 3a-5b। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी आपके लिए होमवर्क ही होगा। मैं बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ए मैट्रिक्स दिया गया है, आपको कैलकुलेट करना है 3a-5b, आपको ये कैलकुलेट करना है 3a-5b। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि जो भी मैट्रिक्स ए है उसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपने पढ़ा है कि किसी मैट्रिक्स में किसी स्केलर से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। जो मैट्रिक्स बी है उसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3a आएगा उसमें से 5b को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, वही जो मैट्रिक्स मिलेगा वही रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा। ओके, तो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 वाला आपके लिए होमवर्क है। ओके, थैंक यू।